हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हमारा एक कॉन्टैक्टर होता है उसको टाइमर और रिले के साथ कैसे कंट्रोल करते हैं, और उसके लिए हम दूसरा इंडिकेशन है कैसे लगाते हैं, ऑन ऑफ की इंडिकेशन, ऑन की इंडिकेशन कैसे लगाते हैं, उसे इसके साथ कैसे कंट्रोल करते हैं, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसके लिए हमें एक सिंगल पोल एमसीबी की ज़रूरत है, एक हमें रिले की ज़रूरत होती है, और एक हमारे पास ये टाइमर है जिसके ऊपर हम टाइम सेट करेंगे कितने मिनट बाद या सेकंड बाद या जितना भी हमने टाइम सेट किया हुआ उसके बाद ये हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाए। तो ये हमारे पास इंडिकेशन है और ये हमारे पास ऑन और ऑफ के पुश बटन है। तो ऐसे ही मैंने ये इधर डायग्राम भी बनाई हुई है, तो इस डायग्राम के थ्रू हम ये सर्किट बनाने वाले हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि जो मैंने सप्लाई है वो हमने जो फेज़ है वो वायर हमने कनेक्ट कर दी है एमसीबी में, और एमसीबी से जो आउटपुट लेके हमने ऑफ पुश बटन में दे दी है। ऑफ पुश बटन की ये देख सकते हैं जो हमारा पॉइंट है, जो हमारा क्लोज पॉइंट है उसमें हमने ये दे दी है। अभी इसकी आउटपुट निकालेंगे, ये देख सकते हैं जैसे अभी मैंने लगा दी एमसीबी में लगाई सप्लाई, और उसके बाद मैंने ऑफ पुश बटन में दी। अभी ऑफ पुश बटन से हम ऑन पुश बटन, और जो उसका ये हमारी रिले है ये देख सकते हैं रिले है, इसके होल्डिंग पॉइंट में लगाएंगे। फ्रेंड, जैसा कि अभी देख सकते थे कि हमारा जो ऑफ पुश बटन तक हमारी सप्लाई आ गई थी, अभी ऑफ पुश बटन से निकाल के मैंने ऑन पुश बटन में दी। ये देख सकते हैं कि ऑफ पुश बटन से निकाल के सप्लाई मैंने ऑन पुश बटन में दी। अभी जो ऑन पुश बटन से निकाल के हमने जो इसका होल्डिंग पॉइंट था R1 का, ये देख सकते हैं कि R1 का जो NO पॉइंट है, ये देख सकते हैं कि हमने NO पॉइंट के ऊपर ये दे दिए। तो अभी जो ऑफ पुश ऑन पुश बटन है ये इसका आउटपुट से निकाल के सप्लाई हम दे देंगे जो इसका होल्डिंग पॉइंट है NO पॉइंट उसके ऊपर, और जो हमारी रिले है इसकी जो हमारा A1 पॉइंट है उसके ऊपर सप्लाई दे देंगे। तो चलिए अभी मैं अभी आपको जो ऑन पुश बटन से निकाल के जो वायर है हमारी वो लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी देख सकते हैं जो हमारा ऑफ पुश ऑन पुश बटन था उससे मैंने जो वायर निकाल के लगा दी है जो हमारा रिले की A1 के पॉइंट के ऊपर, और उधर से हमने जो इसकी जो NO पॉइंट था उसके ऊपर मैंने ये होल्डिंग दे दी है। ये देख सकते हैं जैसा कि अभी ड्राइंग में भी देख सकते हैं कि जो हमने ऑन पुश बटन से निकाल के हमने एक जो NO पॉइंट पे दे दी, और उधर से साथ ही हमने जो इसका रिले का A1 पॉइंट था उसके ऊपर वायर लगा दिए। तो ये हमारा जो ऊपर वाला सर्किट था ये कम्प्लीट हो गया। अभी जो टाइमर की वायरिंग है और जो हमारी कॉन्टैक्टर की वायरिंग है ये भी हम आपको करके दिखाते हैं। फ्रेंड, जैसा कि अभी देख सकते हैं कि जो हमने जो हमारा ऊपर वाला सर्किट था वो कम्प्लीट हो गया था। अभी हमने जो रिले का जो हमारा अभी आगे वाला सर्किट था ये देख सकते हैं कि हमने रिले से उठाया एक पॉइंट जो उसके रिले के कॉमन पॉइंट में दिया। ये देख सकते हैं कि इधर से हमने रिले से उठाया और इसके कॉमन पॉइंट पर ये सप्लाई ये लूप डाल दी है। अभी इसका जो रिले से भी जो अगला ओपन पॉइंट था उसे निकाल के हमने ये टाइमर को दे दी। ये दे सकते हैं कि हमने इसका रिले से आउटपुट निकाल के वो टाइमर को दे दिए, और टाइमर से ये देख सकते हैं कि टाइमर हमारा ऑन हो गया, और टाइमर से आगे अभी हम एक लूप डाल दी है जो इसके कॉमन पॉइंट पे है। ये देख सकते हैं कि जो हमारा रिले के कॉइल पे सप्लाई दी, और उधर से निकाल के हमने उसके जो ये 15 नंबर पॉइंट है उसके ऊपर हमने लूप डाल दी। अभी जो इसकी आउटपुट होगी जो हमारा ये देख सकते हैं जो हमारा टाइमर है उसकी आउटपुट निकाल के हम वो सीधा जो हमारा कॉन्टैक्टर है इसके A1 पॉइंट के ऊपर दे देंगे, तो हमारा कॉन्टैक्टर है वो एनर्जाइज हो जाएगा। फ्रेंड, जैसा कि अभी देख सकते हैं कि जो हमने टाइमर का जो हमारा ओपन पॉइंट था उससे वायर निकाल के हमने जो कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट था, ये देख सकते हैं कि हमारे कॉन्टैक्टर के A1 पॉइंट के ऊपर हमने वायर लगा दी है। जैसा कि अभी आप ये हमारा देख सकते हैं कि हमने टाइमर से आउटपुट ली जो उसके NO पॉइंट से लेके कॉन्टैक्टर के A1 के ऊपर दे दी।
अभी इधर से हम इसको न्यूट्रल भी कनेक्ट करेंगे, वो भी बाद में कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा भी एक सर्किट ही है, वो ऊपर वाला कंप्लीट हो गया है। तो अभी इसके बाद जो हमने इंडिकेशन लगानी है, ये अभी हम आपको लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी देख सकते हैं कि हमारा सर्किट कंप्लीट है, लेकिन अभी जो हमारी ऑफ की और ऑन की इंडिकेशन रहती है वो हम लगाते हैं अभी। तो ऑफ की इंडिकेशन लगाने के लिए ये देख सकते हैं कि जो हमारी ऑफ की इंडिकेशन है एनसी पॉइंट से, ये रिले के एनसी पॉइंट से हमने ली हुई है। अभी मैंने जो इधर से देख सकते हैं कि अभी उसके सप्लाई दे दी है जो हमारे रिले के कॉमन पॉइंट में, ये देख सकते हैं कि हमने सप्लाई ली जो रिले के कॉमन पॉइंट पे हमने फेज दे दिया। अभी जो इसका आउटपुट होगा, जो रिले का आउटपुट होगा, वो हम ऑफ की इंडिकेशन में दे देंगे, और इसके नीचे से इसको हम जो दूसरा पॉइंट होगा इसका ऑफ इंडिकेशन का, उसका हम न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ऐसा ही हम जो हमारा ये ऑन की इंडिकेशन है ये हम कॉन्टैक्टर के ऊपर लगाएंगे। जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा तो हमारी ऑन की इंडिकेशन भी चल जाएगी। तो अभी मैं आपको ये ऑफ की इंडिकेशन लगा के दिखाता हूँ रिले के साथ, ये हमने अभी कनेक्शन करने हैं इसके। तो अभी ये मैं अभी आपको ये ऑफ की इंडिकेशन लगा के दिखाते हैं। फ्रेंड जैसा कि अभी देख सकते हैं कि जो हमने जो इसका रिले का जो हमारा क्लोज पॉइंट था उधर से वायर निकाल के हमने रेड इंडिकेशन जो इसकी ऑफ की इंडिकेशन है वो लगा दी है। जैसे ही हमारा मतलब कि हमारा सर्किट बंद होगा तो हमारा ऑफ की इंडिकेशन चलती रहेगी। जैसे ही हमारा जो हमारी सप्लाई आएगी तो रिले एनर्जाइज हो जाएगी, तो ये हमारी ऑफ की इंडिकेशन बंद हो जाएगी। तो जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये हमारी जो ग्रीन इंडिकेशन है ये ऑन हो जाएगी। तो अभी मैं आपको जो ग्रीन इंडिकेशन है वो लगा के दिखाते हैं जो हमने कॉन्टैक्टर के ऊपर लगानी है। जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमने कॉन्टैक्टर का जो एनओ पॉइंट यूज़ किया हुआ इसके लिए। तो अभी मैं अभी ये ग्रीन इंडिकेशन आपको लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड जैसा कि अभी देख सकते हैं कि जो हमने ग्रीन इंडिकेशन लगानी है, तो हमने जो उसका कॉयल का कॉन्टैक्टर का A1 पॉइंट था उधर से हमने फेज़ उठा लिया। तो हमने जो इसका कॉन्टैक्टर का एनओ पॉइंट था, ये देख सकते हैं जो हमारा कॉन्टैक्टर का एनओ पॉइंट है इसके ऊपर दे दी है वायर लगा दी है जो हमारी सप्लाई है। अभी जो इसकी आउटपुट होगी वो हम ये देख सकते हैं ग्रीन इंडिकेशन में लगा देंगे। जैसे ही हमारा कॉन्टैक्टर एनर्जाइज होगा तो हमारी सप्लाई इससे पास होके हमारे जो इंडिकेशन है ये चल जाएगी। फ्रेंड जैसा कि अभी देख सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्टर था उसके जो एनओ पॉइंट से आउटपुट निकाल के हमने ग्रीन इंडिकेशन में लगा दी है। जैसा कि अभी ये देख सकते हैं कॉन्टैक्टर का एनओ पॉइंट हमने यूज़ किया हुआ और ग्रीन इंडिकेशन में लगा दी है। तो अभी हमारा जो सर्किट था वो अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारी जो न्यूट्रल वायर है हमने कनेक्ट करनी है टाइमर के ऊपर, जो रिले के ऊपर, टाइमर के ऊपर, कॉन्टैक्टर के ऊपर, जो हमारी दो इंडिकेशन है इसके ऊपर। तो ये अभी हम कनेक्ट कर देते हैं। तो फिर अभी आपको इसका जो सर्किट है इस वो भी हम आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे कि ये सर्किट कैसे चलता है। फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा सर्किट जो था वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो हमारी न्यूट्रल वायर थी वो रहती थी लगाने के लिए। तो ये देख सकते हैं कि हमने जो न्यूट्रल वायर है वो कॉन्टैक्टर के A2 पे भी दे दी है, और जो हमारा टाइमर था उसके A2 पे, और जो हमारी रिले है इसके A2 पे भी दे दी है, और जो हमारी ग्रीन इंडिकेशन है और जो हमारी रेड इंडिकेशन है उसके ऊपर भी हमने न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर दी है। जैसे कि अभी ये देख सकते हैं कि इसके जो टाइमर कॉन्टैक्टर का टाइमर का और जो हमारा रिले का A2 पॉइंट है, ये देख सकते हैं कि A2 पॉइंट के ऊपर हमने वायरें जो है वो कनेक्ट कर दी हैं। तो हमारा जो सर्किट है वो हमारी ड्राइंग के हिसाब से, जो हमारी ड्राइंग थी उसके हिसाब से कंप्लीट हो गया। तो अभी हम आपको जो इसका सर्किट को ऑन ऑफ करके दिखाते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। फ्रेंड जैसा कि भी देख सकते हैं कि हमारा जो सर्किट था वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने जो इसमें जो हमारी सप्लाई थी वो भी हमने कनेक्ट कर दी है। ये देख सकते हैं कि हमने इधर से फेज दे दिया और इधर से हमने इसको न्यूट्रल कनेक्ट कर दी है। और ये देख सकते हैं कि अभी हमारा जो सर्किट है वो ऑफ है, और ये हमारी ये देख सकते हैं कि जो हमारी रेड इंडिकेशन जो ऑफ के लिए हमने लगाई थी वो भी ऑन हो गई है। तो जैसे ही हमने सर्किट को ऑन करेंगे तो हमारी रिले जो है वो एनर्जाइज हो जाएगी, और जो हमने इसके ऊपर टाइम सेट किया हुआ है उसके बाद
ये हमारा कॉन्टैक्टर को ऑन करवा देगी। तो अभी मैं आपको ये सर्किट जो है ऑन करवा के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने इसको ऑन किया तो हमारा जो रिले है वो भी एनर्जाइज हो गई है। ये देख सकते हैं कि टाइमर को उसने सप्लाई दे दी है। तो ये देख सकते हैं कि जितना हमने डिले टाइम सेट किया हुआ था उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्टर भी लग गया और जो हमारी ग्रीन इंडिकेशन थी ऑन की वो भी ऑन हो गई है। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रीन इंडिकेशन थी सर्किट हमारा ऑन हो गया। तो ग्रीन इंडिकेशन ऑन हो गई है जब मतलब कि हमारा जो सर्किट था वो चल गया है, और उसी के साथ ही जो हमारी रेड इंडिकेशन थी वो ऑफ हो गई है। तो ये अभी हमारा सर्किट जो है वर्किंग में है, इसीलिए जो हमारी ग्रीन इंडिकेशन थी जो हमारी वो ऑन हो गई है। तो अभी मैं आपको दोबारा जो सर्किट जो है वो ऑफ करवा के दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि मैंने सर्किट ऑफ कर दिया है तो हमारा जो रेड इंडिकेशन थी वो ऑन हो गई है और जो ग्रीन इंडिकेशन थी वो हमारी ऑफ हो गई है। फ्रेंड ये हमारे पास जो टाइम डिले रिले है टाइमर है इसके ऊपर ये देख सकते हैं कि वेरिएबल बनी हुई है। तो आपने जितना भी इसके ऊपर टाइम आपके रिक्वायरमेंट है आप उसके हिसाब से इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। हमने तो ये 6-7 सेकंड को इसका हमने टाइम रखा था। ये देख सकते हैं कि जैसे भी सर्किट ऑन करेंगे तो रिले ऑन होगी, हमारा टाइमर भी ऑन हो गया। तो ये देख सकते हैं कि ये 6-7 सेकंड बाद हमारा जो सर्किट है वो ऑन हो जाएगा। ये देख सकते हैं कि 6-7 सेकंड के अंदर जो हमने रखा हुआ था टाइम उसके अंदर ही ये हमारा सर्किट जो है वो ऑन हो गया है। तो फ्रेंड अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो है वो अच्छी लगी हो, आज का हमारा जो सर्किट है वो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके माइंड में कोई हमारे सर्किट से रिलेटेड या और कोई माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।